विद्यार्थी मित्रों, आज हमारा हिंदी का पीरियड और आज का पाठ है 10 गणाधन। पाठ 10वां गणाधन। और गणाधन का अर्थ क्या होता है? गड़ा यानी जमीन में छिपाया हुआ, जमीन में छिपाया हुआ, उसे गड़ा कहते हैं। और ड के नीचे देखिए बिंदी है, गड़ा। तो कई ऐसे अक्षर होते हैं जहां ड के नीचे बिंदी आती है। गड़ा यानी जमीन में छिपाया हुआ। और धन यानी संपत्ति, पैसा, सोना, चांदी, उसे क्या कहते हैं? धन कहते हैं। धन यानी संपत्ति, धन का अर्थ होता है संपत्ति। तो गड़ा धन यानी छिपाया हुआ, जमीन में छिपाया हुआ धन संपत्ति। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हम अपने जीवन में ले सकते हैं। दीवार पर चढ़ने वाली चींटी को ही देख लो, कई बार फिसलने के बावजूद वह हार नहीं मानती और अंत में सफल हो जाती है। इसीलिए जीवन में प्रयत्न और मेहनत से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। अब इस प्रस्तुत पाठ में हमें यही समझाने की कोशिश की गई है कि मेहनत से ही धन, मान सम्मान आदि पाया जा सकता है। किससे? मेहनत करने से धन पाया जा सकता है, मान सम्मान पाया जा सकता है। आलस्य यानी आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है ना? हमें आलस्य करना चाहिए क्या? नहीं, हमें आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी मनुष्य जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है, यानी परिश्रम हमें करते रहना चाहिए, है ना? हमारे इसी हिंदी विषय में आगे कविता है जीवन, उसमें देखो क्या लिखा है। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम, करना कभी नहीं विश्राम। जीवन है चलने का नाम, है ना? तो परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसी बात को हम पाठ के माध्यम से समझेंगे। अभी यहां मैं पाठ पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से उसे सुनेंगे। पाठ 10 गड़ा धन। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। गांव का नाम क्या है? सुंदरपुर। और वहां पे कौन सा किसान रहता था? रामदीन, रामदीन नामक किसान रहता था। उसके चार बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था। परिश्रमी यानी मेहनती, मेहनत करने वाला। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अलहड़पन से परेशान था। अब अलहड़पन यानी मनमौजीपना, अलहड़पन यानी मनमौजी, यानी जो मन में आए वो करे, मन के मौजी। हम विद्यार्थीपन में भी ऐसे ही करते, पढ़ाई नहीं करते, हमें जो करना है करते,
माँ बाप हमें कहते हैं कि पढ़ो बच्चे, पढ़ो, पढ़ाई करो, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, लेकिन हम क्या करते हैं, मन मौजीपन है, हमेशा टीवी देखते रहते हैं या मोबाइल देखते रहे, तो मन मौजीपन है और सोने का समय आलसी की तरह सोते रहते। तो रामदीन उनके इस अलहड़पन से परेशान था। पाठ को आगे देखते हैं। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। वह दिन रात यही सोचा करता था कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे, क्योंकि मेहनत किए बिना तो हमारा गुजारा नहीं चल सकता। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था, तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी मां अब बूढ़े हो गए हैं, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है, यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। मैंने कहा कि उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उपाय सुझाया, झिझकना यानी संकोच करना और उपाय यानी इलाज। तो अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी मां अब बूढ़े हो गए हैं, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है, यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कुछ कहते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमको वह टोकते रहते हैं और हमें वह पसंद नहीं आता है। तो वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। आगे क्या लिखा है देखो, रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, यानी अच्छे से चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। क्या हुआ, उनके पास जो घर में जो धन था, संपत्ति थी, पैसा, सोना चांदी जो भी हो, पैसे खत्म हो गए और घर का धान्य समाप्त होने लगा। धान्य यानी अनाज वो भी समाप्त हो गए। अब चारों भाइयों को चिंता हुई, उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई, हाँ, कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया, यानी धन की लालच में धन पाने के लिए उन्होंने खेत को खोदने का काम किया, यानी खेत की खुदाई का काम आरंभ किया, आरंभ यानी शुरू करना। वे दो तीन रातें खेत को खोदते रहे पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धान नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर, रात भर के परिश्रम, परिश्रम यानी मेहनत,
से बहुत थक गए थे, जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर, निराश और हताश यानी दुखी हो जाना, यानी हताश यानी आशा रहित हो जाना, निराश। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, यानी रामदीन का एक परम मित्र था, उनके पिताजी का एक परम मित्र था हरिनाथ, उन्होंने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, हरिनाथ ने पूरा कारण जान लिया और उन चारों बेटों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। पता है ना आपको, जैसे बीज खेत में हम उगाते हैं तो उससे क्या आता है, बीज बोते हैं तो फसल उगती है, उसमें धन धान्य आता है, फल आता है, धन धान्य यानी धन नहीं निकलता है, पैसा नहीं है, धान्य अनाज का धन। जैसे सुना कि तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो, जैसे ही सुनते ही चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई, यानी आनंदित हो गए, खुश हो गए। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया, खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। जब फसल उगती है तो उगने के पहले छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं, है ना। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। आपने देखा है ना, जैसे मूंग में कैसे अंकुर फूटते हैं, जिसे हम स्प्राउट्स कहते हैं, ठीक उसी तरह नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए और उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। अब निराई गुड़ाई यानी क्या, पौधे के आसपास उगी हुई घास आदि को खोदकर हटाना, उसे क्या कहते हैं, निराई गुड़ाई। और उससे फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। और जैसे ही बेचेंगे धान्य, फसल से जो धान्य निकलता है, जैसे धान्य बेचेंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा उनको, पैसे, जिसे हम धन कहते हैं, धन यानी पैसे, पैसे मिलेंगे और पैसों से वह अपना गुजरान चला सकते हैं। तो उसके पिताजी की जो चिंता थी, माता पिता की, वह चिंता दूर होने लगी। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करना यानी, चरण यानी पैर, स्पर्श यानी छूना, यानी पैर छूना। हम प्रणाम करते हैं तो पैर छूते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, चरण स्पर्श। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा, है ना। कितनी अच्छी तरीके से उनके पिताजी ने उन्हें समझा दिया। क्या कहा रामदीन ने, फिर से बोलेंगे, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हां पिताजी,
अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। कितना अच्छा पाठ है, कितनी अच्छी सीख हमें मिलती है इसमें से कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हमें परिश्रम करना चाहिए। देखो पाठ का पाठ मैंने पढ़ लिया है, समझाते हुए एक बार मैं पाठ का सारांश भी समझा देता हूं। किसान की चिंता। रामदीन नाम का एक किसान था, उसके चार आलसी बेटे थे। रामदीन को उनके भविष्य की चिंता सताती थी। रामदीन की पत्नी द्वारा उपाय सुझाना। रामदीन की पत्नी ने उपाय सुझाया जिस पर रामदीन ने अमल किया। चारों बेटों को बुलाकर समझा दिया कि वे तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, खेत में धन गाड़ कर रखा है, जरूरत पड़ने पर निकाल लेना। चारों खुश थे कि अब उन्हें टोकने वाला कोई नहीं होगा। बेटों द्वारा खेत की खुदाई हुई। कुछ दिन आराम से बीत गए। घर में धन धान्य खत्म होने आया, इसलिए चारों ने रात में खेत की खुदाई की। दो तीन रातें खुदाई करने पर भी कुछ न मिला तो निराश होकर घर लौटे। रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने उन्हें खेत में बीज बोने की सलाह दी। उन्होंने बीज बोए, जिन्हें अंकुरित होते हुए देखकर चारों में उत्साह जागा। उन्होंने पौधों की देखभाल की और फसल बाजार में बेचने की तैयारी में लग गए। तो देखो रामदीन की सलाह। रामदीन तीर्थ यात्रा से लौट आए, बोरे में फसल देखकर उन्होंने बच्चों से कहा, यही तो था खेत में गड़ा धन। चारों बेटे समझ गए कि परिश्रम करने पर ही धन पाया जा सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको पाठ पूरा पूरा समझ में आया होगा। आप भी इस पाठ को तीन बार पढ़ेंगे और यह वीडियो भी तीन बार आप सुनेंगे तो इसे त्रिपट पद्धति कहते हैं। इससे क्या होगा, आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा और पूरा पूरा समझ में आएगा। ओके, धन्यवाद।